एटीएम कार्ड को लेकर धोखाधड़ी होने की बहुत सारी खबरें पिछले कुछ महीनों में सामने आई है। आजकल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का दायरा बढ़ता जा रहा है, ठीक वैसे वैसे फ्रॉड लोगों को ठगने का नया रास्ता भी निकालते जा रहे हैं। ऐसे में हमें अपने नए और आधुनिक तकनीक वाली चीज़ों का इस्तेमाल काफ़ी सोच समझ कर करना चाहिए ताकि हम फ्रॉड लोगों की जाल से बच सके। इस वजह से हम आज अपने इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं जो आपको सुनकर काफ़ी कॉमन लगेगा, लेकिन ज़्यादातर लोग उसे फॉलो नहीं करते हैं, इस वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। हम आपको एटीएम कार्ड ठीक से उपयोग करना बताने जा रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज गुप्ता और एनएम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। एटीएम मशीन से पैसा निकालने के लिए मशीन में अपना सीक्रेट पिन डालते वक्त अपने दूसरे हाथ से नंबर पैड को ढक ले। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि किसी ने मशीन की किसी जगह पर कोई हिडन कैमरा लगा रखा हो जो आपके पिन को रिकॉर्ड कर ले। इसलिए हमेशा आप एक हाथ से दूसरे हाथ को छिपाकर ही पिन डालें। एटीएम मशीन में अपना कार्ड डालते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि जहां पर आप कार्ड इंसर्ट कर रहे हैं वहां कोई ऐसी चीज़ ना हो जो क्लोन या स्कैन कर ले, लिहाजा आप जगह को चेक करके ही अपने कार्ड को इंसर्ट करें। हम जब भी किसी होटल, शॉपिंग मॉल या एयरपोर्ट में जाते हैं तो अक्सर हम अपना कार्ड अपने शॉपकीपर को दे देते हैं, साथ में हम उन्हें भी अपना पिन बता देते हैं जो इंटर करके वो आपके कार्ड से पेमेंट डिटेक्ट करता है। लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हो सकता है कि वो दुकानदार आपके कार्ड डिटेल्स को पिन समेत तो उतने ही देर में कहीं रिकॉर्ड ना कर ले, लिहाजा इस चीज़ से भी हम सभी को बचना चाहिए। इसके अलावा जब भी आप अपने कार्ड को किसी भी दूसरे POS मशीन में स्क्रैच करते हैं तो ध्यान रहे कि वो व्यक्ति आपके सामने ही आपके कार्ड से पेमेंट का पूरा प्रोसेस करे और आपको कार्ड वापस दे।